हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत प्यारा सा एक डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं और इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट रो जो बुनेंगे उल्टी तरफ से बुनेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो हम पूरी उल्टी बुनेंगे, उल्टी साइड से हमने स्टार्ट करा है। इस तरह से हमने फर्स्ट रो पूरी उल्टी बुन ली है। देखिए, अब सेकंड रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, सेकंड रो हमने पूरी सीधी बुननी है। तो सेकंड रो आप फ्रेंड्स पूरी सीधी बुन लीजिए। देखिए, थर्ड सेकंड रो भी मैंने पूरी सीधी बुनी है। अब देखिए, थर्ड रो बुनेंगे। थर्ड रो में देखिए, पहले फ्रेंड्स आपने दो फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरह से। फिर देखिए, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, इस वाले फंदे को इस तरह से, देखिए इस तरह से आप रखेंगे सिलाइयों को। और देखिए, इसके इस तरह से राउंड घुमाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। देखिए, आपने 15 बार आपने इस तरह से घुमाना है। 15 बार लपेटने के बाद आपने इसको बुनना है। इस तरह से, और देखिए, फिर आपने इसको खोल देना है। अब आप इसे खींचेंगे इस तरह। फिर खींचने के बाद देखिए, फिर से हम इसे दोबारा से फिर खींचेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, फिर हमने ये देखिए इस तरह से एक बार सीधा बुनना है। देखिए, हमारा डिजाइन इस तरह बनेगा। फिर देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे बुनिए। धागा पीछे कीजिए, फिर इस वाले फंदे में इस तरह से रखेंगे आप। देखिए, दोनों सिलाइयों को इस तरह रखिए और आपने 15 बार घुमाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। और 15 के बाद एक बार आपने इस तरह घुमाना है ताकि आप इसे आराम से बुन लें। ये लीजिए, यूं करिए। इसे फिर छोड़ दीजिए। फिर से आपने इसको थोड़ा सा टाइट करके इसे लूज तरह से लूज करना है। और फिर आप इसे इससे खींचेंगी तो ये देखिए इस तरह से खींचेगा। फिर आप इसे दोबारा खींच दीजिए क्योंकि हमने बिल्कुल रिंग की तरह बनाना है। फिर आप इसे इस तरह से खींचेंगी तो ये देखिए इस तरह बन जाएगा। सारे एक साथ एक से आ जाएंगे। फिर आपने दूसरा फंदा सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और इस तरह से एक, दो, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। फिर से हमने इसी तरह डिजाइन बनाना है। आपने सिलाई इस तरह रखनी है और इसे 15 बार घुमाना है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये 15।
और इसके बाद आपने एक जैसे बुनते हैं इस तरह से। ये सबको छोड़ना है, इन सबको इस तरह से ढीला करना है। फिर देखिए इस तरह से खींचेंगे आप इस तरह, एक बार और कर लीजिए ताकि बिल्कुल ठीक से रिंग की तरह बन जाए। फिर आपने इस तरह से खींचना है इसको, देखिए इसे खींचेंगे फ्रेंड्स। खींचने के बाद आपने फिर से इस तरह से सीधा बुनना, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और दो फंदे उल्टे बुनिए। तो देखिए हमारा डिजाइन कुछ इस तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह पीछे से। फिर से फ्रेंड्स धागा पीछे करना है और इसमें इस तरह से देखिए आप अपने सिलाई इस तरह रखिए बड़ी, क्योंकि हमें 15 बार लपेटना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद आपने जैसे बुनते हैं एक बार इस तरह से लपेट लीजिए और इसे जैसे सिलाई लेते हैं इस तरह से, इस तरह से देखिए हम निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स फिर हम इसे खोल देंगे। फिर से हमने इस तरह बुनना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं थर्ड रो के बाद। अब हम फोर रो जो बुनेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए फोर रो हमने पूरी इस तरह से सीधी बुननी है। तो फोर रो फ्रेंड्स आप पूरी सीधी बुन लीजिए। फोर रो भी देखिए मैंने कंप्लीट कर लिए, पूरी उल्टी बुन ली, सीधी बुन ली है। अब देखिए अब हम फिर से फ्रेंड्स अब क्या करेंगे। अब देखिए हमने बुनना तो इसी तरह है फ्रेंड्स, यही डिजाइन डालना है, लेकिन अब हम इसकी जगह चेंज करेंगे। तो देखिए जगह चेंज करने के लिए आपने कितने फंदे उल्टे बुनने हैं, 1, 2, पहले हमने 2 के बाद डिजाइन डाला था। अब फ्रेंड्स हम पहले 4 फंदे इस तरह से उल्टे बुनेंगे और देखिए फिर हमारा जो डिजाइन आएगा इसके बीच में आएगा इन दो फंदों पे। तो फिर आप फिर से देखिए बनाएंगे तो उसी तरह, लेकिन 4 फंदों के बाद डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई रखेंगे और इसे हम देखिए 15 बार घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 के बाद एक बार और डाल लीजिए ताकि इसे हम बुन सकें। हम इसको इस तरह से इसको निकाल लेंगे। फिर से हमने इसे देखिए पहले ढीला इसको इस तरह से लूज करना है और इसके बाद देखिए इस तरह से हम इसे खींचेंगे तो ये धागा खिसता चला जाएगा। पहले आप इसे इस तरह से लूज कर लीजिए और फिर आप इसे खींचेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए लूज करने के बाद आपने इस तरह से फ्रेंड्स आपने इसको इस तरह से खींचना है, देखिए खींच रहा है। एक बार और करेंगे ताकि ये अच्छा सा रिंग सा बन जाए। इस तरह देखिए ये बन गया है। फिर से हमने सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके फ्रेंड्स इसी तरह हमने इस डिजाइन को बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इसको मैं कंप्लीट कर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस
तरह से देखिए मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स आपने हर दूसरी सिलाई में इस डिजाइन को बनाना है। देखिए पहले मैंने दो फंदे छोड़कर इस डिजाइन को बनाया था तो ये चार आ गए हैं, फिर मैंने ऊपर वाली सिलाई में चार फंदे छोड़कर इस डिजाइन को डाला है। अब आप इसके ऊपर बनाएंगी तो दो फंदे छोड़कर फिर आपने इन दो फंदों पर यह डिजाइन डालना है। और देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।